केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना लोकसभा सीट के लिए प्रचार किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अशोकनगर में चुनावी सभा की। इस सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब गुना को एक नहीं बल्कि दो बड़े नेता मिलेंगे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा केपी यादव। अमित शाह ने यह भी कहा जनता से कि उनको केपी यादव के भविष्य की चिंता नहीं करनी है, पार्टी ने उनके भविष्य की चिंता कर रखी है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा केपी यादव को लेके। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो सुना आपने, अमित शाह ने कहा कि केपी यादव ने इस क्षेत्र की अच्छी सेवा की है और केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और उनको आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। अब समझते हैं आखिर कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल गुना एक हाई प्रोफाइल सीट है और गुना हाई प्रोफाइल सीट होने के साथ साथ वो सीट है जहां हार जीत का समीकरण यादव वोटों से तय होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और 2019 में वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे और 2019 में वो केपी यादव से चुनाव हार गए थे। और उसी समय लोगों को ये समझ में आया कि आखिर गुना लोकसभा सीट पर यादव गणित किस तरह से है, यादव वोटों का गणित किस तरह से है। गुना लोकसभा सीट पे बात करें गुना की, अशोकनगर की और मुंगावली की, तो ये तीन जगह ऐसी हैं जहां यादव वोट बहुतायत में है, बल्कि कह सकते हैं कि हार जीत का फैसला या निर्णायक वोटर के तौर पर भी ये होते हैं। 2019 में यही वजह थी कि केपी यादव जो कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जो है उनके राजनीतिक कद की भी बात करें तो वो काफ़ी कम था, उसके बाद भी 2019 में उनको वहां से जीत मिली थी। और अब गणित कुछ उल्टा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी की तरफ से गुना के कैंडिडेट हैं, केपी यादव का टिकट काट कर उनको टिकट दिया गया है। और दूसरा कुछ ऐसा है कि जो कांग्रेस है, इस बार कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को वहां से मैदान में उतारा है, मतलब कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट दिया है। खासकर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन शायद 2019 के समीकरणों के बाद या 2019 के नतीजों के बाद का भी देखा जा सकता है। तो यही वजह है कि केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया और वहां पर यादव वोटर बहुतायत में है। तो यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया कि उनको केपी यादव की चिंता जनता को नहीं करनी है, पार्टी ने उनका भविष्य सोच रखा है और गुना में एक नहीं बल्कि दो बड़े नेता होंगे। दरअसल पार्टी को डर है कि केपी यादव का टिकट काटने से कहीं यादव वोटर नाराज ना हो जाएं, इसलिए भरे मंच से अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया। और अमित शाह के इस बयान को कहीं ना कहीं यादव वोटर को साधने की कवायद के तौर पर भी देखा जा सकता है।